इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यह बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। जयपुर एसीबी की अलवर में कार्रवाई हुई। हां, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी, अलवर ग्रामीण सीओ ट्रैप कर लिए गए। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई आई है सामने। जयपुर एसीबी की अलवर में बड़ी कार्रवाई आई सामने, अलवर ग्रामीण सीओ ट्रैप। जी हां, आपको जानकारी दे कि 3 लाख की रिश्वत लेते किए गए गिरफ्तार। जी हां, आरोपी सीओ से एसीबी की पूछताछ जारी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उदित जुड़े हुए हैं। उदित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? सर, पूरे मामले को लेकर के अभी जैसी जो जानकारी सामने आई है, अभी यहाँ पर एसीबी की स्पेशल टीम ने जयपुर से कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान जो पुलिस उपाधीक्षक ग्रामीण अलवर हैं उनको 13 लाख की रिश्वत के मामले में 3 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक ड्राइवर जो कि शेखपुर थाने में कार्यरत था उसको भी इसमें ट्रैप के साथ पकड़ा गया है, दोनों गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि एक तरफ जहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद की जाती है कि ऐसी जो तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी अगर रिश्वतखोरी का मामला आएगा तो ये कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक अमले में ऐसे भी कुछ अधिकारी हैं जो लगातार भ्रष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। आखिर इन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? ये जो तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इनमें कमी आए? जी बिल्कुल, इस मामलों को लेकर के ही जब परिवादियों की शिकायत जब सामने आती है उसके बाद ये कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं और पूरा जो मामला है उसमें ये अभी सामने आ रहा है कि जो एक व्यक्ति है उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे, उनको निस्तारण के लिए उसमें अनुसंधान के दौरान निस्तारण के लिए रिश्वत मांगी गई है। तो इस बात को लेकर के ही अभी एसीबी की जो स्पेशल टीम है वो इस पर अब जांच करेगी आगे और कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।